मारुति ने फोर्थ जेनरेशन स्विफ्ट को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम इसकी कॉम्पिटिटर हुंडई ग्रैंड आइटेनियोस के साथ स्विफ्ट को कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कौन सी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगी आपके पैसों की ऊपर। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस मई मंथ की है, अगर आप कुछ महीने बाद देखोगे तो हो सकता है प्राइसेस बढ़ जाए। तो स्विफ्ट की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 6.49 लाख रुपये से और चली जाती है 9.65 लाख रुपये तक, जबकि नियोस की स्टार्ट होती है 5.92 लाख रुपये से और चली जाती है 8.56 लाख रुपये तक। मतलब 75,000 रुपये से लेकर 1,09,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो स्विफ्ट का लेंथ रहेगा 3860 मिलीमीटर, नियोस का रहेगा 3815 मिलीमीटर, विड्थ रहेगी 1735 मिलीमीटर 1680 मिलीमीटर, हाइट रहेगी 1520 मिलीमीटर दोनों ही गाड़ियों में, फुल बेस रहेगी 2450 मिलीमीटर दोनों ही गाड़ियों में, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 163 मिलीमीटर 165 मिलीमीटर, बूट बेस रहेगी 265 लीटर 260 लीटर, टायर साइज रहेगी 185/65 R15 इंचेस की स्विफ्ट में, 175/60 R15 इंचेस की नियोस में। तो डायमेंशन को अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क दोनों ही गाड़ियों में नहीं है, आपको दोनों ही गाड़ियों में लगभग इक्वल केबिन पेस मिल जाएगी, दोनों ही गाड़ियों में भर भर के केबिन पेस मिलने वाली है। उसके साथ बूट पेस भी सेम मिल जाएगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, टायर साइज भी आपको सेम मिल जाएगा, हाइट भी सेम ही मिलेगा, 12-inch डीजल मिल जाएगा तो चढ़ना उतरना इजी रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्विफ्ट में अब आपको नया वाला 1200cc 3 सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 80 bhp के साथ 112 Nm टॉर्क जेनरेट करता है, 5-speed मैनुअल AMT दोनों ही मिल जाता है, 24.8 kmpl मैनुअल में 25.75 kmpl AMT में क्लेम करा जाता है। नियोस में मिल जाता है आपको 1200cc का 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन जो बहुत ही पुरानी इंजन है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है जो 82 bhp के साथ 114 Nm टॉर्क जेनरेट करता है, 5-speed MT AMT मिल जाता है 20.7 kmpl माइलेज के साथ। तो इंजन स्पेसिफिकेशन को अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, गियर बॉक्स में भी कोई फर्क नहीं है, माइलेज और इंजन में थोड़ा फर्क है। माइलेज में आपको नियोस थोड़ी कम मिलेगी, आपको कम माइलेज देगी नियोस स्विफ्ट के मुकाबले, लेकिन आपको एक 4 सिलेंडर रिलायबल स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाली इंजन मिल जाएगी, जबकि स्विफ्ट में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, लेकिन स्विफ्ट में अब आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगी नया वाला। तो थोड़ा बहुत 3 सिलेंडर का जो कैरेक्टर होता है वो आपको इस इंजन में मिलेगी, जबकि नियोस की इंजन स्मूथ रिलायबल परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आपको एक स्मूथ रिलायबल परफॉर्मेंस देने वाले इंजन चाहिए नियोस को प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको एक नया इंजन ट्राई करना है, ज़्यादा माइलेज चाहिए गाड़ी में तो आप स्विफ्ट को प्रेफर कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्फर्ट फीचर्स की। सबसे पहले कॉमन फीचर्स की बात कर लेते हैं, LED टेल लैंप्स, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्डेबल वार्ड फ्रेम्स, ऑल फोर पावर विंडोज, रेयर डिफॉगर, वाइपर और वॉशर, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, स्मार्ट की, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रेयर रिसिवेंट, क्रूज कंट्रोल और स्मार्ट कीलेस एंट्री। अब सिर्फ स्विफ्ट में मिलने वाले फीचर्स की बात करते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नियोस में आपको सिर्फ हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ही मिल रहा था, LED फॉग लैम्प्स, नियोस में कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं मिलता, 9-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नियोस में आपको सिर्फ 8-inch का ही मिल पाता है, वायरलेस एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, नियोस में आपको वायर्ड मिलता है, कनेक्टेड कार फीचर्स नियोस में नहीं मिलता, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप डाउन विद एंटी पिंच फंक्शन, नियोस में आपको सिर्फ ड्राइवर साइड में ऑटो डाउन ही मिल पाता है, रियर ए टाइप एंड सी टाइप फास्ट USB चार्जर, नियोस की रियर में कोई भी चार्जर नहीं मिलता। अब सिर्फ नियोस में मिलने वाले फीचर्स की बात करते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स स्विफ्ट में नहीं मिलता, शार्क फिन एंटेना स्विफ्ट में सिर्फ पोल टाइप एंटेना मिलती है, फ्रंट सी टाइप फास्ट USB चार्जर, स्विफ्ट के सामने की तरफ कोई भी चार्जर आपको नहीं मिलता। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हो स्विफ्ट में आपको कॉम्फर्ट फीचर पेट भर के कंपनी ऑफर कर रही है, इसीलिए कॉम्फर्ट फीचर के मामले में स्विफ्ट आगे निकल जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करते हैं तो वो है 6 एयरबैग्स, पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक एंकर्स,
सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स। आप सिर्फ नियोस में मिलने वाली फीचर्स की बात करते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो सेफ्टी फीचर को अगर यहाँ पर कंपेयर करें, दोनों ही गाड़ियों में पेट भर के सेफ्टी फीचर कंपनी ऑफर कर देती है। इसके अलावा 3 एक्टिव सेफ्टी फीचर आपको नियोस में और ऑफर करा जाता है स्विफ्ट के मुकाबले। अब चलिए बात करते हैं कॉन्क्लूजन की, कौन सी आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो देखो, अगर आप प्राइस को ध्यान रखोगे तो 57,000 से लेकर 109,000 रुपये नियोस आपको सस्ती मिलती है। और नियोस में आपको स्विफ्ट जैसा ही केबिन पेस, बूट पेस मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर मिलती है, टायर साइज सिमिलर मिल जाती है, इंजन आपको बेहतर मिलती है, 4 सिलेंडर की एक अच्छी स्मूथ रिलायबल इंजन मिल जाती है, माइलेज थोड़ी कम देगी लेकिन आपको इंजन बेटर मिलती है, डेली यूजेबल जो फीचर्स है वो नियोस में आपको मिल जाती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो फिर स्विफ्ट ले सकते हो, वरना डेली यूजेबल फीचर आपको नियोस में कंप्लीट मिल जाती है। सेफ्टी फीचर में नियोस थोड़ी बेहतर है, आपको कुछ फीचर ज़्यादा ही मिलता है, एक्टिव फीचर आपको नियोस में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन पैसे आप कम चुकाते हो। 57,000 रुपये से लेकर 109,000 रुपये आप कम चुकाते हो स्विफ्ट के मुकाबले। इसीलिए इस कॉम्पिटिशन वीडियो की विनर है ग्रैंड आइटन नियोस। आपको कम पैसों में एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज ग्रैंड आइटन नियोस ऑफर करती है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो फिर स्विफ्ट ले सकते हो, वरना इस वीडियो की कॉन्क्लूजन में नियोस ही सबसे वैल्यू क्रिएट करेगी आपकी पैसों के ऊपर। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।